बोली क्या कर रही है? तू बताएगी क्योंकि तू वीडियो ले। अभी अमेजोन से हमने नेक पिलोज मंगाए हैं तो बस उसे रिव्यू कर रही हूँ और खोल के देख रही हूँ। किसने मंगाया बेटा ये? मैंने। तो ये हमें एक कितने का पड़ा? ये हमें एक 188 का पड़ा पर नहीं, बट हमें 130 में मिला। हाँ, 130 का मिला है पर इसकी एक्चुअल प्राइस है 1000 रुपीज। तो मतलब हमें 500 में 4 के आसपास मिले और हमने मीशो से भी एक मंगाया था। तीन आए। हाँ तो तीन होंगे। हाँ, 4/4 मीशो दिखा क्वालिटी कि ये सॉफ्ट है, कलर भी प्यारा लग रहा है, कलर अच्छा है। इसके अंदर आप कुछ रख सकते हो। हाँ चलिए, जैसे ईयरफोन्स रख दिए आपने सुनते वक्त गाने, और इसको ऐसे बच्चों को आप जो सिखाओ वो सीख जाते हैं। अगर आप बच्चों को सिखाओगे कि किस तरीके से पैसे का यूज़ करना है, किस तरीके से समय का यूज़ करना है, किस तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करना है, तो वो वही सीखेंगे। अगर आप उनके सामने जैसा करोगे वो आप बच्चे आपको ही देख के सीखेंगे। देखो, बच्चे किसी और को देख के नहीं सीखते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके सामने ऐसा मतलब ऐसे रहूं कि वो ज़िंदगी की हर चीज़ों को सीख सकें। अगर उनके पास जो है जितना है उसको उसको ही उनको बढ़ाना आना चाहिए, उसको उनको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ थोड़ा बहुत सेविंग करना भी आना चाहिए। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें मैंने सिखा दी हैं और वो खुद से सारा अभी हर तरीके का वो शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, और हर जगह पे जाकर वो देख सकते हैं कि वो किस कितने में है, कि इससे अच्छा हमें कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर अभी से आ गई हैं। मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है कि मुझे कि कभी वो लोग पैसे का बर्बादी करेंगे या वो लोग समय की बर्बादी करें। मतलब उन लोगों को खुद से सब मालूम है कि भाई मुझे इतने बजे उठना है, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, या मुझे पढ़ना है, या मुझे अब ये करना है। तो वो इस हिसाब से उनको अच्छे से सिखा दिया है। तो ये हमारी प्लानिंग चल रही थी। जैसा कि मैंने आपको आपने देखा कि हमने नेक पिलोज मंगाए हैं, तो हम एक्चुअली थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे चीज़ें मंगवा रहे हैं, धीरे धीरे हम चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम शॉपिंग नहीं करेंगे क्योंकि वियतनाम का हमारे पास बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और यहाँ पर तो हम इतना सारा ये सब कुछ पहनते नहीं हैं। और अगर हमने रिपीट भी कर लिया तो क्या बुराई है? देखिए, पैसे तो लगे ही हुए हैं ना, तो रिपीट अगर कर भी लिया तो किसको दिखाना है हमको? और वैसे भी कोई और तो हमारा पूरा करने आने वाला नहीं है कि भाई तुम हर दिन नए कपड़े पहनो और हम तुम्हारा पूरा कर देते हैं। तो फिर अपने बजट को अनुसार, अपने घर के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार अपने आप को बनाना और अपनी चीज़ों को इस तरीके से रखना कि भाई हम अच्छे से हम घूम भी सकें, अच्छे से सारा काम। ऐसा ना हो कि हमारा बजट ही इतना सारे हम कपड़े खरीद लें कि भाई हमारा बजट ही पूरा कपड़े में ही चला जाए। तो इस हिसाब से हमने प्लान किया है कि जो चीज़ें हमारे पास है हम अगर रिपीट कर सकते तो रिपीट कर लेंगे, जो चीज़ें हमें नहीं खरीदनी हम नहीं खरीद लेंगे, जो है जैसा है उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। ऐसा नहीं कि अब हमें दिखाना है तो उसके हिसाब से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें लेकर वो करें। वैसे भी मेरा और मेरे बच्चों का साइज़ सेम है, तो हम एक दूसरे के जो कपड़े हैं वो आराम से हम वेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। तो ये रही सुबह लंच बनाने की तैयारी। मैं आज दे रही हूँ राजमा और चावल, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे का मेरा दिन जो है वो क्लीनिंग का होता है। ऐसा कहते हैं शनिवार के दिन अपने घर से कचरा वगैरह सब निकाल देना चाहिए, तो वो मैं वही कर रही हूँ। और इसके लिए मैं खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करूँगी, क्योंकि फिर अगर मैं खाने के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी करूँगी तो फिर बहुत सारा टाइम जो है वो मेरा खाने में चला जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं कम में ऐसी कोई चीज़ बना दूँ जो अच्छी भी हो और अच्छे से बच्चों का पेट भी भर जाए और फटाफट बन जाए, मतलब मेरा टाइम जो है वो कम लगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी दूसरी क्लीनिंग करनी है। तो मैंने राजमा भी कोकर रात को ही रख दिए थे। मूंग की दाल और चने की दाल मैंने रात को ही भिगोकर रख दिया था। और एक तरफ मैं बना रही हूँ राजमा और एक तरफ मैं बना रही हूँ दलिया, क्योंकि मुझे नाश्ते में दलिया, दूध दलिया देना है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि सैटरडे को ना
बहुत ज़्यादा मैं देखो सैटरडे को बहुत ज़्यादा हैवी में बनाती नहीं हूँ, खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ, लेकिन खिचड़ी तो देखिए हर समय पसंद नहीं आती, इसलिए मैं राजमा चावल बना रही हूँ और यहाँ पर दलिया बना रही हूँ। तो कुकर में मैंने घी डाला है, उसमें मैं डाल दूँगी मैं दलिया जो कि यहाँ पर, और उसको मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी। और फिर जैसे एक कटोरी दलिया है तो मैं तीन कटोरी लगभग पानी डालूँगी और उसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी और उसके बाद व्हिसल ले लूँगी तो दलिया अच्छे से पक जाएगा। फिर उसके बाद दूध डालकर शुगर डालकर मैं हम सब लोग नाश्ता कर लेंगे। तो इस तरफ मैं चावल बना रही हूँ और इस तरीके से मैं आजकल चावल बना रही हूँ, आप लोगों को मालूम ही है। और कुकर में मैंने चढ़ा दिया है राजमा, राजमा के अंदर मैंने टमाटर डाला है, हल्दी डाली है, नमक डाला है, लहसुन डाली है, हरी मिर्च डाली है और बस उसको मैं विसल ले लूँगी और उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर से तड़का लगाऊँगी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम सिंपल बनाती हूँ मैं लेकिन बहुत अच्छे बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मतलब मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा मैं अगर मसाला करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन और ये सब का, तो फिर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आता, बहुत मसालेदार खाना हम लोग खाते नहीं हैं। तो बस मैं सिंपल ही बनाती हूँ लेकिन टेस्टी बनता है, वो खा पाते हैं सब लोग अच्छे से। तो बस ये दलिया फ्राई कर लिया है, ये देखो बहुत अच्छे से दलिया फ्राई हो गया है और वो एक एक दाना अच्छे से फ्राई कर लो और धीमी आंच पे आप। तब तक चावल बन गया है, राजमा कुकर में सीटियां लग गई हैं और बस अब मैं ये फिनिश कर मतलब मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया है तो मैं इनको लंच दे दूँगी और उसके बाद मैं घर के सारे कामों में लग जाऊँगी। तो इस तरीके से मैं अपना जो है वो टाइम का यूटिलाइजेशन करती हूँ और फटाफट मैं अब मैं क्लीनिंग में लग जाऊँगी। वो बहुत सारी चीज़ें मैंने अब शेयर कर ली हैं आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैं किस तरीके से घर में सारा काम करती हूँ और घर पूरा साफ़ सुथरा करती हूँ, तो उसके लिए मुझे टाइम तो चाहिए ना, तो वो टाइम मुझे मिलेगा आज। तो मैं वैसे मैं प्लानिंग करके रखती हूँ कि सैटरडे को मुझे क्लीनिंग करनी है या मुझे ये अलमारी जमानी है या मुझे यहाँ की क्लीनिंग करनी है, तो मैं वो सब पहले से सेट करके रखती हूँ। तो बस ये बन गया है मेरा खाना, अब मैं लगा दूँगी लंच और पतिदेव को दे दूँगी और हो जाएगा। बस बच्चों को भी मैं दूध दलिया देने वाली हूँ और नाश्ते में, और इस तरीके से मैं अपना जो टाइम है वो यूटिलाइज़ करती हूँ। और तड़का देखिए इस तरीके से मैं लगाती हूँ, कभी कभी मैं भाजी पाव बनाती हूँ तो उसमें भी मैं इस तरीके से तड़का लगाती हूँ, जैसे कि मैंने तेल डाला, उसमें राई डाला, तो इस तरीके से मैं तड़का लगा देती हूँ। राई या जीरा डालो, नहीं भी डालना है तो कोई ज़रूरत नहीं, तेल गर्म हो गया तो बस उसमें मसाला डाल दो, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दो और बढ़िया तड़का मार दो। तो ये बन गए मेरे राजमा और चावल तो आपने देख ही लिया, और इसमें लगा दूँगी अभी मैं तड़का। तो ये इस तरीके से मैं बना देती हूँ, एक या दो चम्मच अगर आप बेसन डाल दो तो आपको है ना राजमा की जो ग्रेवी है वो थोड़ी हो जाएगी, मतलब ऐसा लगेगा जैसे ग्रेवी बनी हुई है। और ये डाल दी है मैंने कच्ची इमली, इमली वो जो खट्टी वाली मिल रही थी ना वो वाली इमली डाली है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और जो भी हरी इमली मिल रही है ना मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो बस ये देखो ये इस तरीके से मैं तड़का बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तेल को आपको गरम मतलब गरम करके ठंडा कर लेना, तब लाल मिर्च डालना, तो उसका जो टेस्ट है ना वो इस तरीके से आप भाजी पाव के ऊपर भी अगर लगाओ ना, उसमें पाव भाजी का मसाला डाल दो तो बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए ये बन गए हैं राजमा चावल दूध दलिया। तो कैसा लगा मेरा खाने का प्रिपरेशन? मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी खाना बनाऊँ और बच्चों को खिलाऊँ, मैं खुद भी खाऊँ, क्योंकि देखिए हम अगर मजबूत और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे रख पाएंगे ना। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर भी रखना चाहिए, और अगर जो मैंने देखा है जो लेडीज़ अपने ऊपर ध्यान देती हैं और अपने घर के ऊपर ध्यान देती हैं, अपनी हेल्थ को देखती हैं ना, वो हमेशा उनके बच्चों को वो बहुत अच्छे से केयर कर पाती हैं। तो चलिए लगा देती हूँ टिफ़िन और अब मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। मैं जल्दी ही आपके साथ थाईलैंड के वीडियोस शेयर करने वाली हूँ, तो मिलते हैं, बाय बाय।